चुनाव में हो रही धांधली, डीएम फोन नहीं उठा रहे, मैनपुरी से चुनाव लड़ रही डिंपल यादव का आरोप। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव में वोटिंग में धांधली के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के वोट रोकने का आरोप लगाया है। वहीं इस सीट से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने ट्वीट करके बताया कि डीएम मैनपुरी चुनाव में हो रहे धांधली की शिकायत को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान डाले जा रहे हैं। इस चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। एक तरफ मैनपुरी सीट का रिजल्ट देश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का राजनीतिक कद तय करेगा, तो दूसरी तरफ रामपुर सीट आजम खान के परिवार के राजनीतिक का भविष्य तय करेगी। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर बीजेपी अपना वर्चस्व बनाए रहना चाहती है। मैनपुरी लोकसभा सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। मुलायम यहां 2019 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। मैनपुरी सीट पर मुलायम की बहू डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, तो बीजेपी ने कभी मुलायम के करीबी रहे रघुराज साक्या को मैदान में उतारा है। मैनपुरी में यादव वोट बड़ी संख्या में हैं, जबकि उसके बाद साक्या वोट हैं। मैनपुरी सीट पर लगभग 17 लाख वोटर हैं, इनमें तकरीबन 4.30 लाख वोटर यादव हैं। इसके बाद 2.90 लाख साक्या वोटर हैं, साथ ही यहां 1.80 लाख दलित वोटर हैं। चुनावी मैदान से बसपा गायब है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यह वोट अगर बीजेपी के साथ आ गए तो मैनपुरी में यादव परिवार का वर्चस्व खत्म हो सकता है। आप सभी का इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल ट्रिगर न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे अगर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।